जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने सहजनवा के बीडीओ दुर्योधन को कार्य में लापरवाही बरतने के कारण स्थानांतरण किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि हर एक ब्लॉक में विकास कार्यों की समीक्षा की जा रही है, जो शासन के द्वारा बड़ी धनराशि गांव ब्लॉक में विकास कार्यों के लिए की गई है। मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, आजीविका मिशन सहित सभी योजनाओं के बारे में समीक्षा की जा रही है, जिसको देखते हुए जहाँ कहीं भी कार्यों में लापरवाही पाई जा रही है वहाँ अधिकारी कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा रहा है, जिसको देखते हुए बीडीओ सहजनवा को सहजनवा ब्लॉक से स्थानांतरण किया गया, क्योंकि बीडीओ सहजनवा के कार्यों में लापरवाही व व्यक्तिगत प्रयास में कमी पाई गई। वहां पर उरवा के बीडीओ सुरेश कुमार को भेजा गया है, जो कि अच्छा कार्य करेंगे। उन्होंने कहा आगे भी इस तरह की कार्यवाही चलती रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, अभी हम लोग हर एक ब्लॉक में विकास कार्यों की समीक्षा ले रहे हैं। जो बड़ी धनराशि ग्राम पंचायतों में ब्लॉकों में प्रतिनिधान हो रही है, चाहे वो क्षेत्र पंचायत में योजना के हो, मनरेगा हो, मनरेगा हो या 15वें वित्त आयोग, 5वें वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन, आजीविका मिशन, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में समीक्षा ले रहे हैं। जहाँ भी कार्यों में शिथिलता मिल रही है, के नेतृत्व की कमी मिल रही है, वहाँ अधिकारी और कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया रहा है। इसी कड़ी में बीडीओ सहजनवा को वहाँ से स्थानांतरण कर दिया गया है, क्योंकि उनके वहाँ उस ब्लॉक का परफॉर्मेंस और उनके व्यक्तिगत प्रयास में कमी पाई गई और एक दक्ष बीडीओ को वहाँ भेजा गया है, ताकि वहाँ उस ब्लॉक में भी अच्छी व्यवस्थाएँ हों। हाँ, निरंतर जहाँ भी उत्तरदायित्व निर्धारित करने की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ किया जाएगा।